दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले के थाना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक अपराधी कमाल हुसैन को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से निशानदेही पर चाकू बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी कमाल ने बताया कि वह शराब और धूम्रपान का आदी है, नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपराध करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, थाना क्षेत्र में सिपाही रामकिशन और सिपाही जोनी गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान वे तैमूर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा है, जिस पर शक होते ही उसे रुकने के लिए कहा गया, लेकिन वो भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से चाकू बरामद किया गया, जिसकी पहचान कमाल हुसैन उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी।